everyone, this is Sanat and welcome back to my YouTube channel and welcome to another haul video. आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे. मैं भी एकदम सुस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ. अब देख ही पा रहे हो मैं एकदम से बन ढन के रेडी होकर यहाँ पे बैठी हूँ आपके साथ कुछ सामान शेयर करने के लिए, वो भी मीशो वाली. तो आज का हॉल वीडियो ना पर्टिकुलर कोई कैटेगरी के बेस्ट नहीं है, ये है फैशन आइटम्स. बहुत सारा रैंडम से फैशन आइटम्स मैंने उठा के लेकर आई क्योंकि मुझे बहुत कुछ पसंद आए थे. इसमें है इयररिंग्स, इसमें है बैग्स, इसमें है कुंदन वाले नेकलेसेस और एडी वाले नेकलेसेस और भी बहुत कुछ रैंडम सा फैशन आइटम्स, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ मिक्सेस करके प्रोडक्ट्स है मीशो से. क्योंकि मीशो से सामान देखना आपको भी पसंद है और मुझे भी मंगवाना बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं ढूंढ ढूंढ के लाती हूँ. और आज का हॉल वीडियो पूरा देखिएगा जरूर क्योंकि आपको कुछ ना कुछ जरूर पसंद आएगी क्योंकि है सब कुछ बहुत ही ज्यादा सुंदर. ओके, और ज्यादा बकबक नहीं, एक एक करके जस्ट दिखाना स्टार्ट करती हूँ. और सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स होंगे ना वो उसका लिंक्स मैं अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो जरूर चेक करें. और मैं आज दिखने में कैसे लग रही हूँ थोड़ा सा तारीफ भी कर देना अगर सुंदर लग रही है तो. तो ये देखो आउटर पैकेजिंग, इसमें तो है बैग और ज्वेलरी और भी बहुत सारा है. रुकिए मैं दिखाती हूँ जरा पैकेट को, थोड़ा थोड़ा मैं खोल के भी रख चुकी हूँ. इसमें है सारे इयररिंग्स वगैरह और भी रैंडम से सामान इधर उधर से मतलब पड़े हुए हैं, मैं उसको उठा के आप लोगों के सामने पेश करती हूँ. ओके ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ ना. सबसे पहले शुरुआत मैं किस से करूँ, बैग्स दिखाती हूँ. हाँ, बैग्स में है हमारे पास सबसे पहले एक प्यारा प्यारा हार्ट्स, क्योंकि प्यारा चीज़ों से शुरू करने से सब कुछ बहुत ज़्यादा सही हो जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग इस प्यार के सिंबल से शुरू करेंगे. क्योंकि इधर है मेरे पास ये हार्ट वाली सुंदर सा बैग क्लच, क्या कहते हैं उस, क्लच नहीं आई मीन हैंडल है, सो बैग ही कह लो इसको. लेकिन जस्ट लुक एट दिस, इस बैग ने मेरे दिल को चुरा लिया था उसी टाइम जब मैंने इसको पहली नज़र में मीशो पे देखी थी. यस, तो ये है एक हार्ट शेप में बैग और पूरे है पर्ल से छाए हुए, पूरे यहाँ पे जो है ना यहाँ पे पर्ल का डिटेलिंग दिया हुआ है. और ये वाला हैंडल तो है मेटल का, इसमें है एक अजीब सी नेल पॉलिश जैसी खुशबू भी आ रही है. और इधर है एक बड़ा सा स्टोन, कोहिनूर का हीरा जैसा स्टोन दिया हुआ है यहाँ पे. कहाँ से कोहिनूर का हीरा निकलते, लेकिन है बड़ा ही सुंदर सा. तो ये ना पार्टी वेयर के लिए है, आप कोई भी ड्रेसेस के साथ कैरी कर सकते हो, साड़ी वगैरह के साथ कैरी कर सकते हो. तो इस टाइप का है ये, इसको हम अगर खोले तो इधर है एक अलग से चेन. तो ये जो चेन दिया हुआ है ना इसके ज़रिए आप इसको शोल्डर बैग की तरह या फिर स्लिंग बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हो. और यहाँ पे चेन है डिटैचेबल, तो आप खोल भी सकते हो एनी टाइम अगर आपको पसंद नहीं आ रहे. तो मुझे अगर पर्सनली पूछा जाए तो मुझे ना इसको ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं. तो अभी ना पहले ना बैग ही दिखा देती हूँ, देन बैग के बाद हम ज्वेलरी से स्टार्ट करेंगे एंड सब कुछ बाद में होते जाएंगे. बहुत सारा है तो एक एक करके दिखाना स्टार्ट करूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लॉस मैं कर रही हूँ. तो नेक्स्ट है ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग और इसके अंदर है एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शानदार बेहतरीन सा बैग. और ये मेरा इस साल का सबसे ज़्यादा फेवरेट भी आप बता सकते हो. ओके, सो जस्ट लुक एट दिस बैग, बैग के फोकस करो, दिल शांत हो जाएगी. ये आप अगर कोई पार्टी में लेके जाओगे आई प्रॉमिस कि लोग आपके तरफ देखेगा ज़रूर, क्योंकि आई मीन आपके बैग की तरफ देखेगा, पूछ भी लेगा कि कहाँ से लिया, तब आप बता देना मीशो से, वो लोग भी चौंक जाएंगे कि मीशो पे इतना अच्छा सामान मिलते हैं. और मुझे भी शायद विश्वास नहीं हो रही कि मैंने सच में मीशो से मंगवाई. देन मैंने फिर से चेक की मीशो के वेबसाइट पर माई ऑर्डर्स पर जाके, तो देखी हाँ ये मीशो का ही लिया था मैंने. सो दिस इज़ सो अनबिलीवेबल आउटस्टैंडिंग, जस्ट लुक एट द डिटेलिंग, इतना सुंदर क्लच है ना. और इधर पे जो छल्ले वगैरह लगे हैं ना इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी वाइब आ रही है. कलर भी है बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत सारे आउटफिट के साथ आप कैरी कर सकते हो इजीली. और यहाँ पे हैंडल है बहुत ही ज़्यादा सुंदर, एकदम राउंड फिगर में और राउंड के चार उधार में यहाँ पे दिया हुआ है छोटे 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 स्टोन. तो इसको आप हैंडबैग की तरह ही यूज़ कर सकते हो, ये ज़्यादा सही लग रहे हैं. लेकिन इसके साथ अटैच करने के लिए एक चेन तो दिया हुआ होगा ही शायद, तो इसको खोलने का तरीका इधर से शुरू होता है, इसको ऐसे कर दिया तो ओपन हो जाते हैं. बहुत ज़्यादा स्पेस है, आई मीन फ़ोन वगैरह लिपस्टिक वगैरह जो भी एसेंशियल सामान है आप कैरी करके पार्टी में ले जा सकते हो. इधर है तो एक चेन जिसको आप डिटैच अटैच कुछ भी कर सकते हो एनी टाइम, लेकिन ये मुझे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सच में इसी में ज़्यादा सुंदर लग रही है ना. और बैक साइड देख लो, बैक साइड एकदम प्लेन है और बैक साइड का ज़रूरत भी नहीं है आपको कुछ भी देने का क्योंकि वो कोई नहीं देखेगा, आप लोगे ज़रूर तो ऐसे ही ले लेना. सो हो गया ना सुंदर. और इधर का स्टोन का जो कारुबाई है ये आप एक बार देख लीजिए. और ये सारा स्टोन जो है ना वो एक छोटा सा डब्बे में फिश का जो होता है ना एक्वेरियम, हाँ एक्वेरियम, तो एक्वेरियम में जो स्टोन्स वगैरह दिया होता है ना मुझे ना ये थोड़ा उस टाइप का लग रहे थे. बहुत सारा रंग बिरंगी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे तो ये डिज़ाइन के लिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है ना सुंदर.
पार्टी में जाओगे तो लोग आपकी तरफ ही नजर देगा, तब मुझे आके थैंक बोलना। हाँ, सो नेक्स्ट है अगेन एक बहुत ही सुंदर बेहतरीन से भी बेहतरीन बैग है, और ये मुझे खास पसंद आया इसकी कलर की वजह से। हाँ, कलर इतने ज़्यादा सुंदर है, आप भी देखोगे ना तो आप इसके प्यार में गिर जाओगे। गिरा ना, प्यार आया ना कलर पे, देखो कितनी ज़्यादा सुंदर है। आजकल का ट्रेंडिंग जो ये कलर है ना, मिंट ग्रीन, ये उस कलर का था। ये बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल थे, पिछले मैंने दो दिखाए ना, उसमें कलर ऑप्शन तो नहीं थे, एक एक ही थे। आई मीन और ज़्यादा ढूंढने पे मिल जाए तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके ना 7-8 कलर ऑप्शन थे, येलो, वाइट, रेड, पिंक, सारे सब कुछ। बट दिस कलर जस्ट टुक माई हार्ट। एंड इस पे डिज़ाइन देख लो, ये ना एकदम से एथनिक का जो इधर है सीक्वेंस वगैरह का वर्क होता है ना, सीक्वेंस जरी उस टाइप का है। और ये जो मैंने पिछले दो दिखाए ना, वो वेस्टर्न में, आई मीन वेस्टर्न में कोई ड्रेस वगैरह या फिर पार्टी वेयर में ही कुछ वेस्टर्न टाइप का, इंडो वेस्टर्न टाइप का, उसमें ज़्यादा सूटेबल है। और ये ना इंडियन टाइप्स का है, तो सारे सब कुछ रखना तो ज़रूरी है। एक वो वाला हो गया तो एक इसका भी ज़रूरत है, इसीलिए मैंने ये भी मंगवा लिया। इसका जो हैंडल है बैग का, ये भी है बहुत ही ज़्यादा सुंदर। इधर भी है स्टोन वगैरह एकदम गोल से राउंड होके आ रही है, आप ऐसे ले जाओ। हथकड़ी लग रही है यार। तो दिस वन इज सो सो ब्यूटीफुल, एकदम राउंड फिगर में आ रही है, वर्क तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसको खोलने पर भी चेन तो दिया हुआ होगा ही, और है भी, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दिया तो है। फ्री में हर कुछ चीज़ें ही कभी ना कभी काम तो आ सकते। अब हम लोग आगे देखते हैं ज्वेलरी पे। ज्वेलरी पे ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, वेट लेट मी जस्ट शो यू। पहला देखिए, पहला है बहुत ही हेवी सा कुंदन का, लेकिन हेवी सा कुंदन का जो होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और ज़्यादा वेबसाइट पे। लेकिन मेरे ना कुछ दिन बाद एक शादी का फंक्शन है, तो उसमें पहनने के लिए मैं कुछ ढूंढ रही थी, वो भी इस टाइप का। लेकिन इस टाइप का लेने का ना मुझे बहुत दिन से शौक था। और पहले दिखा दूँ, इसमें बॉक्स भी दिया गया है मीशो की तरफ से, जो बहुत ही ज़्यादा खास है। और इसके साथ और भी बहुत कुछ है, वेट मैं वो बाद में दिखा दूँ, अभी इस पे फोकस करो। कलर देख लो, कलर के लिए ही तो मैंने लिया है। लेकिन फिलहाल मेरे पास इस टाइप का कुछ भी आउटफिट नहीं है, फिर भी मैं पहनूंगी ज़रूर, क्योंकि मैच वगैरह आजकल उतना ज़्यादा मायने नहीं रखते, चीज़ें सुंदर होनी चाहिए बस। जस्ट लुक एट दिस, कितनी ज़्यादा सुंदर है, एकदम से बड़ा बड़ा सा कुंदन का डिटेलिंग है। और बैक साइड देख लो, बैक साइड है ना तारीफ करने जैसे। आप ना इसको दो बार वेयर कर सकते हो, किसी लोगों को पता नहीं चलेगा, कोई लोगों को नहीं लगेगा कि आप रिपीट कर रहे हो। सो ये बैक का जो पोर्शन है, इसमें भी इतनी सुंदर जो काम है ना, ये देख के किसी को नहीं लगेगा कि ये बैक पोर्शन से है। तो इसको आप बैक पोर्शन से एक बार यूज़ कर लो कोई फंक्शन में, एक बार सीधे तरीके से वेयर कर लो, किसको कोई पता नहीं चलेगा, और आप दो बार कॉम्प्लीमेंट ले पाओगे। सो इधर का जो स्टोन है ना नीचे का, ये स्टोन का क्या बोलते हैं आई हैव नो आइडिया, बट क्वालिटी इज़ सो सो गुड। और कलर बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा है, एक पैरट ग्रीन कलर है, एकदम प्यारा सा कलर है। और इसके साथ है दो इयररिंग्स, लेकिन इयररिंग्स बहुत ही ज़्यादा छोटू है। बाय द वे, ये जो नेकलेस है ना, थोड़ा सा ज़्यादा हेवी है, लेकिन शादी वगैरह पे पहनने के लिए बहुत ही ज़्यादा खास तो होगा ही। और ये इसके साथ जो इयररिंग्स है, इयररिंग्स पे ध्यान दो, कितने ज़्यादा छोटू है ना। इसका भी बैक साइड का डिज़ाइन कुछ ऐसा है, लेकिन इसको आप बैक से नहीं पहन सकते हो, लेकिन सीधा वाला पोर्शन देख लो, कुंदन का क्वालिटी कितनी ज़्यादा सुंदर है, चमक भी है सुंदर से, और छोटा सा छनक भी है। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा। चल अगले वाले देखते हो कि कैसे। और अगला वाला जो है नेकलेस है, तो इसके ना कुछ जो प्लास्टिक का बॉक्स दिया होता है वो नहीं है, इसमें है कार्डबोर्ड टाइप का बड़ा सा बॉक्स, क्योंकि है ये बहुत ज़्यादा भारी, मेरे से भी ज़्यादा भारी लग रही है यार, लेकिन सुंदर है बहुत ज़्यादा। और जस्ट लुक एट दिस, ये ना अब अगर दुल्हन हो या फिर दुल्हन की सहेली हो, बहन हो, कोई भी हो, लेकिन आप ज़रूर इसको पहन सकते हो, लोगों की नज़र आपके गले पर होगी, आई मीन आप पर होगी। सो जस्ट लुक एट द डिज़ाइन, इतनी बड़ा सा कुंदन देखे, एकदम हेवी सा, एक प्रॉपर आपके पूरे गले को भर देगा। यहाँ पे डिज़ाइन देख लो, यहाँ पे है डार्क ग्रीन, वो था लाइट ग्रीन में, ये है डार्क ग्रीन में, लेकिन डार्क ग्रीन में भी ये ना थोड़ा सा फेड सा है। इसके इस पे जो नीचे का जो मोती है, इसके ऊपर भी बहुत सारा डिज़ाइन बने हुए हैं, झिक झक करके कुछ है, ऊपर में छोटा छोटा स्टोन भी लगा है, यहाँ पे पर्ल है। और बैक साइड देख लो, बैक साइड ही है मुझे तारीफ करने जैसे, दो बार मैं पहन लूँगी। वो पिछला वाला मैंने जो दिखाया वो भी था इस टाइप का, और ये भी है इस टाइप का, पीछे से एक दिन पहन लेना, आगे से एक दिन पहन लेना, तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। और इसके साथ बहुत कुछ है, वो भी दिखा देते।
इसके साथ है दो बड़ा सा इयररिंग्स। इसको आप नेकलेस के साथ, नेकलेस अगर लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा भारी हो जा रही है, इतनी ज़्यादा गहना हो रहा है, तो आप इयररिंग्स को स्किप भी कर सकते हो। और अगर नेकलेस को भी स्किप करना चाहो तो भी आप बस ये दो इयररिंग्स पहन के चले जाओ, तो भी कॉम्प्लीमेंट आपको ज़रूर मिलेगी और कान भी आपका बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा है और इसका बैक साइड भी है बहुत ही ज़्यादा सुंदर, एकदम मैचिंग तरीके से आता है ये दो इयररिंग्स। और उसके साथ और भी एक चीज़ है, ये है मांग टीका। हाँ, इतना सुंदर मांग टीका है, जस्ट लुक एट दिस। यहाँ पे है पाल का ये जो ऐसे आएगा, लेकिन मुझे ना मांग टीका उतने अच्छे से पहनना नहीं आता, लेकिन फिर भी इसके साथ है तो सुंदर जो है और एकदम से मैचिंग तरीके से आता है। आप चाहो तो इयररिंग्स के साथ और ये मांग टीका भी वेयर कर सकते हो, नहीं तो फिर मांग टीका नेकलेस पहन सकते हो, नहीं तो बस मांग टीका पहन सकते हो, आपकी मर्जी, कैसे भी स्टाइल कर लो, लेकिन टोटली वर्थ ऑफ मनी है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इस टाइप का एक नेकलेस पे आप स्पेंड जरूर कर सकते हो। चलो अगले है कुछ इयररिंग्स, तो उन पर ध्यान देते हैं। तो इयररिंग्स में है मेरे पास 7 से 8 ऑप्शन, बहुत सारा है इसमें भर भर के इयररिंग्स। तो ये सारे ना एथनिक इयररिंग्स नहीं है, ये सारे है कोरियन टाइप का या मीन वेस्टर्न इयररिंग्स, लेकिन मिनिमल है, सिंपल है, तो आप डेली वेयर के लिए ज़रूर प्रेफर कर सकते हो। तो चलिए एक एक करके दिखाना स्टार्ट करती हूँ। तो पैकेट वैकेट में सब कुछ तो उतर के रख दिया, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो एक ही डब्बे में मैंने सब कुछ भर के यहाँ पर पैक करके रखी हूँ, सारे पैकेट वैकेट खोल के। तो अब जस्ट एक एक करके लेते हुए दिखाते हो। शुरुआत करते हुए इस छोटे वाले क्यूट से, जस्ट लुक एट दिस, इतनी ज़्यादा क्यूट है ना, मुझसे मतलब देख के रहा नहीं गया, तो मैंने ले लिया। वेट, इसको फिक्स करने दो, देन ले मी सो। हाँ, लुक एट दिस, ये इधर में है एक छोटा सा टेडी और इधर है एक छोटा सा लाल दिल। हाँ, और इधर में बैक साइड में है एक चेन और उसके नीचे है पर्ल। आई मीन ये आप ऐसे ले सकते हो, बस इसको भी पहन सकते हो। आई मीन दो कानों के लिए दो अलग अलग इयररिंग्स, मिस मैच इयररिंग्स जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। पहले मुझे उतनी ज़्यादा समझ नहीं आती थी कि ये मिस मैच इयररिंग्स लोग क्यों प्रेफर करते हैं। पहले मुझे ना बहुत ज़्यादा ऑड लगते थे कि इस कान में अलग इयररिंग्स, इस कान में अलग इयररिंग्स, लेकिन अभी यही ट्रेंड है तो वो ट्रेंड के साथ हमें चलना चाहिए। नेक्स्ट है बहुत ही ज्यादा खास। हाँ, ये देखो डियोर की इयररिंग्स मैं लेके आई मीशो से। हाँ, 3-3.5 लाख का इयररिंग्स मैंने ला के दिया है यहाँ पे 130 रुपए में शायद। यस, देखो मैं कितनी ज्यादा कमाल कर रही हूँ। नहीं गाइस, दिस इज लाइक अ फेक डिजाइन एंड पूरा कॉपी भी नहीं कर पाया, लेकिन दिखने में सुंदर लग रही है। मेरे जैसे गरीब की औकात ही कितना है, इसीलिए मैं इस टाइप का ढूंढ के लाती हूँ। तो फोटो में ना कुछ अलग ही दिखा था, इसका जो ओरिजिनल डियोर इयररिंग्स है उसके जैसा ही दिख रहे थे, तो ये देखकर मुझे लगा कि हाँ इयररिंग्स में कैसे ही पता चलेगा, तो मैं ले लेती हूँ। लेकिन ये थोड़ा सा अलग आ गया। बैक साइड में देखिए, बैक साइड में है ये दो पर्ल, लेकिन ये जो डी लिखा है ना, ये लिखा ना कुछ अलग सा आ गया है। आई मीन ओरिजिनल से मैच नहीं करे, और मैच करे भी तो करे क्या, इतनी कम में कैसे मैच करके। नेक्स्ट है बहुत ही ज़्यादा सुंदर एक पार्टी वेयर इयररिंग्स, एंड इस टाइप का कोरियन इयररिंग्स आजकल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। और ये है कुछ गोल्डन कलर में रिंग्स साइड का, और इधर है एक, इधर पे है बहुत सारे स्टोन के साथ ये प्लेट जैसा दिखने वाली डिज़ाइन। ये इतनी ज़्यादा फ्लिकरिंग क्यों हो रही है यार, इधर में ले रहे तो ठीक हो रहे हैं, इधर जा रही है तो तब भी हो रहे हैं। अच्छा, इग्नोर दिस, हाँ डिज़ाइन पे ध्यान दो, डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और क्या ही चाहिए बताओ। नेक्स्ट है कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा पार्टी वेयर में पहनने के लिए, ब्लैक ड्रेस पहन लो, आई मीन पार्टी वेयर वाली, और इसके साथ ये दो इयररिंग्स। पार्टी में 4 चांद लगने वाले हैं आपके ऊपर, सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। स्टोन की चमक देख रहे हो, कितनी ज़्यादा चमकीला है, मेरे फ्यूचर से भी ज़्यादा ब्राइट है ये जो राइनस्टोन लगे हुए हैं। सो देन है ये वाला इयररिंग्स, ये वाला इयररिंग्स शायद आप लोगों ने देखी होंगी, क्योंकि मीशो पे सर्च करने पर ये वाला जो डिज़ाइन होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा आंखों के सामने आ जाता है। तो बहुत दिन से ना मेरे आंखों के सामने इधर उधर घूम रहे थे, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इसको इस बार बाय ही कर लूँ, नहीं तो फिर ये पीछा नहीं छोड़ेगा। ये वाला इयररिंग्स तो आप लोगों ने मतलब देख लिया होगा, फिर भी मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि ये गोल्डन कलर का है और एंटी टैनिस में आते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव। आई मीन इस जो रेगुलर मैंने दिखा रही हूँ उससे ज़्यादा थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन कलर इसका नहीं जाएगी। सो नेक्स्ट है बहुत ही ज़्यादा सुंदर और हार्ट शेप में है। हार्ट शेप का हर एक चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये है कुछ हार्ट में, इतनी ज़्यादा हल्की है ना, आजकल का कॉलेज गोइंग और जो ज़्यादा हेवी ज्वेलरी प्रेफर नहीं करते उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। पार्टी वेयर में ही आप जाना चाहते हो लेकिन हेवी नहीं पहनना चाहते, तो दिस इज अप्रोप्रिएट। सो ये था हार्ट शेप में, और इधर है एक राउंड शेप में चेन वगैरह का दिया हुआ है, 3 चेन, ये
एकदम से थिन वाला चेन और इधर है एक स्टोन वाली चेन, तो इस टाइप का डिटेलिंग है ये एंड दिस लुक्स सो क्यूट। हाँ अब है बहुत ही ज्यादा सुंदर और खास कुछ, खास बोल रही इसलिए क्योंकि इधर है बो। हाँ वही वाला बो, आजकल का ट्रेंडिंग चारों तरफ में बो बो बो, तो कानों में भी बो पहनना है सबको, मुझे भी पहनना है, लेकिन मुझे मिला है ब्लू वाला बो, तो थोड़ा सा ज्यादा यूनिक लगा मुझे तो ये मैंने ले लिया। और इसके इस यूनिकनेस के अलावा भी और एक यूनिकनेस इसमें है जो है ये, क्योंकि इसको आप ना बस बो की तरह भी पहन सकते हो, आई मीन ये है। और इधर ये जो चेन दिया हुआ है इधर है एक छोटा सा होल, तो आप इसको ऐसे अटैच करके ऐसे बनाकर देन ये भी पहन सकते हो, नहीं तो फिर इसको आप ऐसे पहन लिया देन कान के पीछे ले जाकर अटैच करके ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो पहले अटैच कर दो देन इयररिंग्स पहनो, नहीं तो बस बो पहन लो। तीन चार तरीके से आप इसको आपके अकॉर्डिंग स्टाइल कर सकते हो। तो इयररिंग्स तो सारे सब कुछ मैंने दिखाई दिया, अब बारी है इस डब्बे में क्या है वो दिखाने की। और इस डब्बे में है बहुत सारा नेकलेस सेट और वो भी एडी ज्वेलरी सेट। एडी ज्वेलरी मीन्स अमेरिकन डायमंड, जो बहुत ही ज्यादा खास है मेरे लिए, तो शुरुआत करती हूँ, तीन चार है तो शुरुआत करती हूँ इससे, मेरी प्यारी फेवरेट कलर के साथ। सो जस्ट लुक एट द डिजाइन, ओ माई गॉड दिस इज बॉम्ब। इसका जो डिजाइन है, डिजाइन तो सुंदर है ही, उसके मामले में कुछ नहीं कहना, लेकिन कलर जो है वो है इसकी शान। मीशो के ज्वेलरी के आन बान और शान ही कुछ अलग होती है, हमेशा मैं चौंक जाती हूँ, अरे यार सच में मीशो में इतना सुंदर मिलती है, जितने सारे वेबसाइट है बहुत ही ज्यादा आई मीन स्टोर वगैरह में जाओ तो इतनी एक्सपेंसिव मिलती है एडी ज्वेलरी सेट इंडिया में कि मतलब हाथ लगाना मुश्किल हो जाता है मेरे जैसे गरीब इंसान के लिए, लेकिन मीशो है ना, इसीलिए चिंता करने की कोई बात ही नहीं। और आप लोगों के लिए हूँ मैं, तो इसीलिए सुंदर सुंदर चीजें मैं ढूंढ के निकालूंगी, अब बस देखते रहना। हाँ तो इसको भी देखते जाओ, तो ये है सुंदर सी और इसकी चमक देख रहे हो, इतनी ज्यादा चमक है ना क्या ही बताओ। कलर लुक्स तो सो ब्यूटीफुल। इधर है एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सा स्टोन, ये शायद मोनालिसा स्टोन है, और ये जो बाकी सारा व्हाइट कलर के स्टोन है ना इसी से आ रही है वो चमक, और जो है एकदम से छोटी 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 डिटेलिंग में। और ये कुछ इस टाइप का आएगा, चेन भी है और चेन तो इस टाइप का आ रहे हैं ऐसे, बस पार्टी वेयर में साड़ी के साथ पहनो या फिर कुछ ड्रेसेस के साथ पहनो, चार चांद लगने वाले हो क्योंकि बहुत ही ज्यादा सुंदर है। इसके साथ दो इयररिंग्स भी है, क्यूट सा प्यारा सा, वो भी देख लो, प्रिटी पिंक रोजी काइंड ऑफ आ इयररिंग्स, ऐसा डैंगलिंग्स काइंड ऑफ आते हैं। और ये सब ज्वेलरी तो कैरी करना आसान है क्योंकि हेवी तो बिल्कुल भी नहीं होता है, और हेवी नहीं होते हैं फिर भी इतनी अच्छी लुक प्रोवाइड करते हैं, रिच सा प्रीमियम सा। आप मेरी तरह गरीब की हो लेकिन लोगों को पता नहीं चलेगा क्योंकि आप दिखने वाले हो एक्सपेंसिव लग्जूरियस प्रीमियम सा लुक, इनमें से आपको आएगा जरूर। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मैंने मंगवाई है, इसीलिए मैंने एक मंगवा लिया है रेड कलर में, और ये ना है कुछ बहुत ही ज्यादा सिंपल में, वो थोड़ा तो थोड़ा बहुत भी मतलब हेवी था, ये है एकदम सा सिंपल छोटू सा ऐसे आएगा, वो एक एंगेजमेंट पार्टी वगैरह होता है ना उसमें पहनने के लिए था, एकदम से परफेक्ट है। तो मैं भी सोच कर रखी हूँ मेरे एंगेजमेंट पार्टी पे ना मैं तो एडी ज्वेलरी सेट ही पहनूंगी, और मीशो से शॉपिंग करती हूँ तो मीशो से ही कुछ अच्छा ढूंढ के निकालूंगी, लेकिन फिलहाल अभी तो कोई मिला नहीं, जब मिलेंगे तब देख लेंगे, अभी आप इसको देख लो। ये कलर जो है ना रेड कलर का स्टोन बहुत ही ज्यादा सुंदर चमक रही है, रेड कलर के स्टोन में मैंने एडी ज्वेलरी सेट कभी नहीं मंगवाई, ये पहली बार है तो इसलिए मैं देखने के लिए ही मंगवाई कि रेड कलर के ऊपर कैसे लगते हैं, लेकिन ये देख पा रही हूँ कि इतनी ज्यादा सुंदर लग रही है। और ये जो छोटे 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 स्टोन है ना इसके वजह से ही चमक तो आ रही है, आपको देख ही पा रहे हो, बैक साइड का फिनिशिंग भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। एक लोकल स्टोन का जो डिटेलिंग में नेकलेस होता है ना उसको भी हमारे इधर का जो सेलर होते हैं वो एडी ज्वेलरी सेट बोलकर चला देते हैं, लेकिन वो नहीं होते हैं, ये है एक्चुअल में, ये थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव होता है लेकिन मीशो पे फिर भी सस्ते में मिल जाते हैं, तो एक ना एक पे आप स्पेंड जरूर कर सकते हो। और इसके साथ भी है दो इयररिंग्स, वो भी है रेड कलर के स्टोन में ही ऐसे डैंगलिंग काइंड ऑफ, एंड छोटू सा प्यारा सा नन्ना सा, देख ही पा रहे हो कितनी ज्यादा सुंदर है, ये जो डुओ है ना बहुत ही ज्यादा कमाल की लग रही है। नेक्स्ट है बहुत ही ज्यादा सुंदर कलर में, और इस टाइप का कलर आई मीन जो जो कलर मैंने कभी नहीं पहने ना मैं उस टाइप के कलर ही इस बार मैंने ट्राई किया, ये है थोड़ा सा ज्यादा हेवी में, जिन लोगों को पार्टी में बस मतलब गले पे गला बहुत ही ज्यादा बड़ा है डीप नेक काइंड ऑफ है उस टाइप का डिटेलिंग में जो ड्रेस आते हैं उसके साथ ना इस टाइप का नेकलेस जो है बहुत ही परफेक्टली जाने वाला है, कम्प्लीमेंट जरूर करेगा आपके पूरे गले को भर देगा और चमक तो आएगा ही, तो पार्टी में उसके लिए एक इज्जत थोड़ा सा बढ़ जाएगा, दिखने में एक्सपेंसिव भी है तो ब्लू कलर के साथ है। और ये जितने सारे नेकलेसेस मैंने दिखाई और भी बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल थे, तो मेरे पास जो वाले कलर्स नहीं थे मैं उसी कलर में बाय किया, आप चाहो तो कुछ भी कलर में ले सकते हो, लेकिन ब्लू कलर भी कुछ कम नहीं लग रहे हैं।
तो ये है डार्क कलर के साथ व्हाइट कलर में, इसीलिए ना ये जो ब्लू कलर है बहुत ही ज्यादा निखर के आ रही है और बाकी सारे तो व्हाइट है, उसकी चमक तो अलग से आ ही रही है। इसके साथ भी है दो इयररिंग्स, तो इयररिंग्स भी है कुछ मैचिंग सा ऐसा डैंगलिंग्स काइंड ऑफ डिजाइन में। ये डुओ भी बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है, प्रीमियम से दिखने वाली। ये नेकलेस आपको कैसे लगे बताना। तो जितने सारे एडी ज्वेलरी थे वो भी मैंने दिखा दिया और जो भी मैंने परचेस किए थे सारे सब कुछ आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया। तो कुछ भी आपको पसंद आ जाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना, कौन से प्रोडक्ट आपको ज्यादा पसंद आए वो भी बताना और मैं नेक्स्ट किस टाइप का वीडियो करूँ आपके अगर कुछ मतलब प्रेफरेंस अगर है तो आप वो भी शेयर कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर लाने की कोशिश करूंगी। तो वीडियो आपको कैसे लगे जरूर बताना, वीडियो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना, वीडियो को थोड़ा लाइक भी कर देना अगर पसंद आ जाते हो, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके चलो बाय बाय, मिलते हैं अगली कोई और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।